एक पता नहीं कहाँ से आई और यहाँ पे आई, मेरे यहाँ पे डंक रख के चली गई। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं ठीक हूँ। तो आज फिलहाल अभी वैसे नशा भी टाइम हो रहा है, सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं उठ गया था, सुबह 5 बजे उठ गया था। तो गाइज, एक पॉपट हो गया, क्या है, मेरे को मधुमक्खियाँ खा गई। मैं क्या था, मंदिर जा रहा था और वहाँ पे मधुमक्खियाँ उड़ रही थी ऊपर, तो मैं सोचा क्या खाएगी, है ना, बहुत ऊपर तक आ जाए ना। बट एक मधुमक्खी आई, पता नहीं कहाँ से आई और यहाँ पे आई, मेरे यहाँ पे डंक रख के चली गई। चली तो क्या गई, मैं उसको यहाँ पे बैठ गई, मैं उसको पकड़ हटाया ना, तो देखा गाइस मतलब यहाँ के खा गई, यहाँ पे डंक रख दी। बट दर्द हो रहा है और वैसे मेरे असर तो नहीं होता। वैसे मेरे को बचपन में खाई थी मधुमक्खी बहुत ना। एक बार मैं क्या, जो हमारे हवेली ना पुरानी हवेली, जा रहा था ऊपर नाड़ से, सीढ़ियों से जा रहा था मतलब, तो वहाँ पे ऐसे छत्ता आया, तो मैं समझता नहीं था, ऐसे करते करते जा रहा था, तो मेरे को मतलब पूरे शरीर को मधुमक्खी खा गई थी। तो उस तब से मेरा ना कोई असर नहीं होता शरीर के ऊपर। तो अब देखते क्या असर होता। मैंने सरसों का तेल भी लगा लिया ना, बट दर्द तो हो रहा है। मैं अच्छा वाला नहा धो के जा रहा था मंदिर, दर्शन करके आएंगे, तो फिर दर्शन करके आए, बट ना मधुमक्खी खाएगी या फिर वो, तो दर्द हो रहा है भयंकर, क्या करें। और ये एयरफोन है हमारी, तो इसमें भी एक प्रॉब्लम आ गई, ये KDM के वैसे थे, बट इसमें ना एक में आवाज़ नहीं आ रहा, एक में आती है एक में नहीं आती, रुक रुक के आती है एक में आवाज़। तब देखते कैसे होते, या तो सही होती है ये, वरना फिर नहीं लेनी पड़ ली, नहीं लेंगे फिर क्या करते हैं। तो अब तो थोड़ी देर देखते कैसे ना, दर्द हो रहा है। वैसे असर तो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मधुमक्खी का असर नहीं होता, बट बोलते हैं मधुमक्खी खा जाती है ना, बहुत मतलब असर होता है, और मतलब सारा शरीर सूज जाता है, जिस जगह से खाती है ना वहाँ से मतलब मोटा मोटा जाता है चेहरा ही। तो अब देखते हैं खाना ना खाएंगे पहले चल के, और कैसे रहता है, मधुमक्खी खा गई आ रहा, तो पोपट हो गया। और कहाँ जा रहा है, एक वो बेटा ऊपर, ये दोनों फ्रेंड का, अभी ये मोर भी ना ऊपर जाएगा उसके पास, देखना। उधर बारिश का मौसम भी हो गया, धीरे धीरे बारिश भी नहीं आती यार गाइस, पता नहीं कब बारिश आएगी। रुक, किधर गया गाइस? आज लाइट नहीं आ रही ना, देखो ये भी कैसे डोल रहे बच्चे, देखो। इसका नाम है अनुसुका, 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 अंशु का नाम है, अनुष्का नाम है गाइस, नाम भी नहीं आता मेरे से। तो ये गाय देखो, ये देखो चेहरा लेकर घूम रहा है, इसको जग नहीं पड़ती कहीं पे, कल नहीं है क्या तेरे को? कल नहीं पड़ती गाइस इसको, लाइट नहीं आ रही, देखो कल नहीं पड़ रही, सारा दिन हो गया आज इसको। तो गाइस लाइट नहीं आ रही फिलहाल, और देखो हम यहाँ बैठे हैं बाहर, मैं भी बैठ गया छोटी वाली चेयर पे, देखो टूट नहीं जाएगा यार, टूटी हुई है पहले ये, देखो पहले पहले से टूटी हुई गई यहाँ से। और अब हवा चली है जाके, बारिश का मौसम भी हो गया, और पीछे देखो बारिश आने वाली है गाइस। हेलो गाइस, मतलब आज ना 12 बजे से लाइट नहीं आ रही, और गाइस हमारा पिछला वीडियो है, हम अब जन्मदिन में जाके बनाएंगे हमारा पिछला वीडियो। गाइस मेरे को मधुमक्खी खा गई, देखो यहाँ से आज मेरे को मधुमक्खी खा गई, ये देखो लड़ती रहती आज ना मेरे को मधुमक्खी खा गई, यहाँ पे खाई देखो, देखो ऐसे मोटा मोटा, वैसे मेरा सूझता नहीं है तो मेरे खाती तक वैसे नहीं होता मेरे, इसको खाते दिन तो ऐसे होते हैं। तो गाइस हमारी गाय माता आ गई, दोनों के दोनों एक ही है, एक सुबह खोल के छोड़ते हैं इसको, तब आ गई, इसको बांधेंगे और दूध निकालेंगे और चाय पियेंगे, फिर तू पिए गई है गाय जी, ना देख ट्यूशन का टाइम होगा ना, रोने लग रहा है, जा रहे कितने स्पीड से जा रहे हैं। और देखो ये हवा चल रही है ना, उस वैसे देखो हवा चल रही है बहुत ही तेज, इधर भी देखो, इधर भी जा रहे हैं मतलब बहुत स्पीड से जा रही है बादल, देखो। अब टाइम लैप्स लगाते थोड़ी देर ना, फिर देखना कितना मस्त व्यू आ रहा है, देखो। बारिश आ चुकी है, देखो इतना इंतज़ार करने के बाद बारिश आ चुकी है, लेकिन पता नहीं अभी अभी रुक सकती है, अब पता नहीं कितनी देर आएगी है, क्या ना बूंदे बूंदे आती है फिर रुक जाती है, अब पता नहीं फिर भी अगर आती है तो देखते हैं, बट रुक गई गाइस फिर और वापस हमारे साथ यार प्रैंक करती है अभी, क्या मतलब। बट मौसम बहुत अच्छा हो रहा होगा, देखो मैंने टाइम लेस लगाया था, वो आपने देख लिया होगा ना, मतलब बहुत अच्छा, मतलब बहुत सुहाना मौसम हो रहा है, घूमने लायक मौसम हो रहा है। तो अब फिलहाल बारिश आ रही है, तो देखते हैं सर तेज़ी आएगी, आप तो मैं भी देखो गीला गीला हो गया, से बारिश आई है,
10 दिन हो गए बारिश आई नहीं रही, तो अब आज बारिश आई है, आज शायद अच्छी होनी चाहिए। मतलब सुबह से लाइट 12 बजे से लाइट भी नहीं आ रही थी और अब बारिश आ गई लगभग, तो अब मौसम ऐसे रहेगा सर रात ही, और लाइट नहीं आएगा, अभी तक लाइट नहीं आई। तो चाय बनाते हैं अपने लिए और फिर मिलते हैं आपसे, दिखाते हैं बारिश का मौसम कैसा हो रहा है। कल बाहर आ रही है बारिश और मैं बना रहा हूँ अब चाय, तो अपने लिए मैंने चाय रख दी है, तो अब चाय बनते हैं, तब तक चलते हैं बाहर। तो छत्ता को ऐसे कर रहा था, देखोगे कैसे हो गया, तो तेरी हो ही नहीं रहा है गाइस, छत्ता ख़राब हो गया। हो गया फाइनली ठीक हो गया हमारा छत्ता, अब चलते हैं बाहर। तो गाइस देखो बारिश हो रही है बाहर, और ये हमारी गिल्लूड़ी देखो कैसे हो गई, इसको बारिश लगती है गाइस बहुत ज़्यादा, देखो सर्दी लग रही है गाइस इसको, देखो कैसे हो रही है, उधर गई बढ़िया, देखो सर्दी लगती है ना इसको इस वजह से। और इनकी मम्मी माताएँ उधर बन रखी है, चारा खा रही है, और ये गिल्लूड़ा है देखो, अरे इसको चारा भी गीला हो गया यार। तो गाइस देखो बारिश हो रही है फिलहाल, मतलब आज अब से मौसम ऐसा हो गया ना, सारी रात चलेगी बारिश से, देखो मतलब बहुत खतरनाक मौसम हो रहा है बारिश का। और अभी मतलब हो तो रही है बारिश, बस धीरे धीरे हो रही है देखो। चाय हो चुकी रेडी है, अब जा रहे हैं बाहर फिलहाल, एक मेरे लिए एक मम्मी के लिए, और अब चलते हैं बाहर चाय पियेंगे। बारिश तो गाइस फाइनल बारिश रुक गई, और देखो इधर सनसेट हो रहा है बढ़िया, मौसम तो साफ हो गया गाइस, बारिश तो आती है नहीं, ये देखो बिल्कुल सनसेट हो रहा है अब उधर। तो गाइस फिलहाल अभी का सीन ऐसा है, अभी लाइट आई है, टाइम हो रही है 9, रात के 9 बज रहे हैं, और अब चलेंगे खाना खाएंगे, बट सुबह के 12 बजे से लाइट गई हुई है, लाइट नहीं आई, मतलब गज पता नहीं ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई, मतलब पूरे 8 घंटे 8 घंटे से लाइट भाई अब जाके आई है, और वो भी 9 बजे हैं, रात के 9 बज रहे हैं, और वैसे भी मेरी हालत तो वैसे ख़राब रखी थी दिन में, पता नहीं गज क्या है, वो मधुमक्खी ने डंक मारा था ना उसे, वैसे रिएक्शन तो नहीं हुआ बट ना उसमें दर्द हो रहा था, तो मैं दिन में ऐसे ही पड़ा था, दिन में लाइट नहीं आ रही तो गर्मी बहुत थी, बट 2-3 बजे मौसम सही हो गया था, बारिश आ गई थी वैसे। तो आज का वो लोग आपने देखा बिल्कुल नॉर्मल था, वो लोग क्या बनाए गज, मेरे तो मधुमक्खी खाई ना उस वैसे हालत नहीं थी, फिर मैं तो ऐसे एक रूम में पड़ा था, फिर थोड़ी देर बाद लाइट चली गई, लाइट जाने के बाद फिर मैं ऐसे बाहर बच्चों के साथ थोड़ी बहुत खेलने लग गया था। तो आज वो लोग को ये एंड करते हैं, आई होप आपको पसंद आया होगा, वो लोग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो फॉर वॉचिंग, बाय। अरे सॉरी ऊपर से देखो चैनी है, इधर से उधर घूमता डोलता है, फिर बीमार होकर रहेगा, छुट्टी करेगा स्कूल।